डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने यूपीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर लाए हैं, और जो कि आपका 2018 में जो वैकेंसी आई थी और इसी 2018 वैकेंसी का जो पेपर हुआ था वो ये 28 जनवरी 2019 को सेकंड पाली का पेपर है। अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। और यही योगी आदित्यनाथ जो थे उत्तर प्रदेश के आपका 32वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, जबकि ये व्यक्ति के रूप में 21वें क्रम के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और इनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के द्वारा शपथ दिलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस अथवा क्रौंच, और इसी उत्तर प्रदेश के सारस अथवा क्रौंच को उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। इसके साथ साथ और भी यूपी स्पेशल पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो आपका पलास है। उसके साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपका एक वृत्त बना हुआ है, और इस वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष स्थापित किया गया, उसके साथ साथ तीन तरंग लहरें स्थापित हैं। तो ये तीनों आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो वर्ष 1937 से 1950 के बीच उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और इसी संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा, और ये आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसके साथ साथ आगरा के अन्य जो प्रमुख मेले हैं वो है आपका गणगौर मेला जो कि आपका नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त आपका आगरा का एक प्रसिद्ध मेला है बटेश्वर मेला, और ये बटेश्वर मेला जो है एक बहुत बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। तो आगरा के तीन आपके प्रमुख मेले हो गए, एक आपका कैलाश मेला, दूसरा गणगौर मेला नवरात्रि के अवसर पर, और बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला के रूप में जाना जाता है। ये तीन मेला आगरा में आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका शारदा नहर, और ये जो शारदा नहर है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ था और बन करके तैयार हुआ था 1928 में, जो कि किस नदी से निकाली गई है, तो ये शारदा नदी से निकाली गई है, और शारदा नदी को काली अथवा महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शारदा नहर है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज इत्यादि जिलों से इससे सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो उत्तराखंड जो है आपका वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया था, और ये कब आया था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन कि 1930 में सीवी रमन ने नोबल पुरस्कार दिया गया, तो सीवी रमन को किस क्षेत्र का नोबल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भौतिक शास्त्र, और इसी भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 में नोबल पुरस्कार दिया गया, जबकि आपका भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, और इस 1954 में इन्हें सीवी रमन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद 1957 में इस सीवी रमन को लेलिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आठवां आ जाता है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब
कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बिस्टली टेल्स। और इसी बिस्टली टेल्स जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, जो 10 नीति कथाओं का एक संग्रह माना जाता है। नौवां क्वेश्चन आपका है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आखिरी कविता का नाम बताएं। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई जो आखिरी कविता है वो है आपका 1 नवंबर 1984, जो कि किस पर आधारित है? तो ये आपका इंदिरा गांधी पर आधारित है। और इसी हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जो अंतिम रचना लिखा था वो 1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को बेस बना करके इनके द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टेनर। और इसी कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा आपका रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई, और इन्होंने आपका ए बी तथा ओ रक्त खोजों के लिए इनको जाना जाता है। बाद में इन्होंने रीसस बंदर से RH फैक्टर नामक को भी ढूंढा था। और रक्त समूह ए और बी, ये दोनों क्या होते हैं? ए और बी जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं एंटीजन होते हैं तथा आपका ओ जो है वो एंटीजन के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टक्सनेट। अगला है आपका 12वां क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पाक जल डमरू मध्य। और इसी पाक जल डमरू मध्य जो है वो दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी और पाक जल पूर्वोत्तर में पाक जल डमरू मध्य को जोड़ता है। और ये जो पाक जल डमरू मध्य है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी पाक जल डमरू मध्य की जो चौड़ाई है वो 58 से लेकर के 82 किलोमीटर तक है। और इसका जो नामकरण किया गया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के नाम पर इसका नामकरण किया गया। 13वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के अमेरिका के अन्य राज्य की सीमा को साझा नहीं करती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलास्का। और ये जो अलास्का है ये एक राज्य है जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम छोर में स्थित है, जो यह अन्य राज्य की सीमा को साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तीसरा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर आपका पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे USA जो है वो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना गया। 15वां आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा मस्कट। और ये जो मस्कट है, ये मस्कट जो है संयुक्त अमीरात का एक अमीरात नहीं है। एक तरीके से आपका फारस की खाड़ी के कुल 7 राज्यों आबू धाबी, शारजा, दुबई, कुवैत, फुर्जा, रूस, अलखेमा को मिला करके मध्य पूर्व एशिया देश में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना 1971 में की गई थी। और ये 1971 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये जो आपका अमीरात है ये आपका 1947 में UK से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन कि कौन सा बहरीन की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। अगला क्वेश्चन कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार। और मीरा कुमार जो हैं वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई, जिनका कार्यकाल जो है वो 2009 से लेकर के 2014 तक रहा। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था?
तो आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। और 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह सिपाहियों ने आपका विद्रोह कर दिया और ये सिपाही 12 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। और ये गुजराती व्यंजन है जिसमें कि मिर्च मसाला या अधिक नहीं होता, जो पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। किसके बारे में बताया जा रहा है, तो खांडवी के बारे में, जो कि केरल जो कि महाराष्ट्र और आपका गुजरात में यह विशेष तौर पर प्रचलन में है या काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड। और इस उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे जुगल किशोर। और इसी जुगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड का संपादन जो है वो कलकत्ता से किया गया था। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी गेहूँ की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था, तो आंसर हो जाएगा लार्मा रोजो। और ये लार्मा रोजो जो है गेहूं की उच्च पैदावार के रूप में जाना जाता है और हरित क्रांति के दौरान गेहूं की फसल में अविस्मरणीय वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, तो आंसर हो जाएगा आपका वेनेगल नरसिंह राव। और इसी वीएन राव के द्वारा भारतीय संविधान का सदस्य होने के साथ साथ ये सिविल सेवक न्यायविद भी थे और 1950 से 52 तक ये यूएनओ में आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपका कि उन्मेद भवन किस शहर में स्थित है, उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी जोधपुर। और ये उन्मेद भवन जो है ये आपका इस उन्मेद भवन होटल में 347 कमरे हैं जो कि आपका ट्रेवलर चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स को इस को एक तरीके से विशेष होटल की श्रेणी में भी शामिल किया गया या प्रथम स्थान इसको प्रदान किया गया। तो उन्मेद भवन और इसका उन्मेद भवन पैलेस का निर्माण किसने कराया था, तो उन्मेद भवन पैलेस का जो निर्माण कराए थे वो उन्मेद सिंह के द्वारा एक स्थापित भव्य पैलेस है जिसे होटल की श्रेणी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया था। लावणी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला 25वां क्वेश्चन कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2016। और 2016 के बजट में अंतिम बार रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग प्रस्तुत किया गया था और इसी बजट के पश्चात आपका तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे सुरेश प्रभु, और इसे सुरेश प्रभु ने प्रस्तुत किया। और उसके अलावा 1924 से रेल एवं केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था जिसकी सिफारिश एक वर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर रखा गया। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1773 से 1885 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। और इसी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के परिणाम स्वरूप यह प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। हालांकि यहां भारत की जगह पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, जबकि भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है निवेश की जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम। आंसर क्या होगा, गुरुग्राम हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार निम्नलिखित में किस द्वीप के पर्यटन को अवैध बना दिया, भारत सरकार ने किस द्वीप के पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर नहीं बल्कि सिक्किम होगा। आंसर क्या होगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह हुए थे।
और इसी बलदेव सिंह के द्वारा 1947 से 52 तक ये रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जबकि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू यूनिटी किस नदी द्वीप पर बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। और विश्व की यहीं पे सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण आपके प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो जिसकी ऊंचाई जो है आपका 182 मीटर और अगर फीट में पूछेगा तो लगभग 597 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पराग कोण। और पुंकेसर जो है पौधों का नर प्रजनन अंग है जो पंखुड़ियों के छलने के भीतर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी कोकस। आंसर क्या होगा, बी कोकस। अगला क्वेश्चन आपका कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 455 से 390 nm। अगला क्वेश्चन कि मक्खन का उदाहरण है, तो मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है, जब दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण जो पाया जाता है उसे पायस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्सम साल्ट। 37वां क्वेश्चन कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो विलियम म्योर, और इसी विलियम म्योर के द्वारा सबसे पहले इलाहाबाद में म्योर कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चल कर के 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ, और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। अगला है कि पहली महिला मुख्यमंत्री 1863 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और ये जो पहली महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी वो कौन थी, तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी, और ये जो सुचेता कृपलानी हैं ये भारत के साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया, और इनका जो कार्यकाल था वो 1963 से लेकर के 67 तक शामिल था। तो इस तरीके से यह आपका 2018 का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हमने सॉल्व करा दिया, और इन सारे पेपर से आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।